बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कह दिया, तो ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्टिस सच्चर का जो जूरिसप्रूडेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट केसेस खोल के देख लोगे तो कितने PUCL के केसेस हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने केसेस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। राइट टू स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दी कुलदीप नायर केस आई थिंक विच संजय पारेख वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व विद, वे ही चैलेंज दी इलेक्शन ऑफ मनमोहन सिंह ऑन द ग्राउंड दैट ही शुड नॉट बी कॉन्टेस्टिंग फॉर ओरिसा। सो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लॉ इज टू वेल नोन टू रिक्वायर एनी रीटेलिंग। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहूँगी कि मेरी उनसे बात हुई थी 23rd of March को, जब हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन पेरल, मतलब आज के ज़माने में जो चल रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा है सरकार के तरफ से, उसके बारे में हमने एक मीटिंग की थी। और मैं बहुत चाहती थी कि सच्चर साहब उस मीटिंग के लिए आए, तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनको कहा आप कैसे हो, तो फट से उनका जवाब आया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं तो सुन के इतनी खुश हो गई उनकी बात, क्योंकि कुछ दिनों से कोर्ट में नहीं दिख रहे थे। फिर मैंने कहा आप मीटिंग के लिए आ सकते हो, उन्होंने कहा आ तो नहीं सकता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है आप एक मैसेज भेज दीजिए, और उन्होंने कहा ज़रूर। माधवी उनकी बेटी से मेरी बात हुई, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ मैसेज नहीं भेजा, एक काफ़ी लंबा सा आर्टिकल लिख के भेजा और कहा कि इस आर्टिकल को आप उस मीटिंग में पढ़ लेना। और वो पूरा आर्टिकल जस्टिस पटेल के बारे में था जिन्होंने रिज़ाइन किया। उन्होंने रिज़ाइन किया क्योंकि उनको सरकार ने विक्टिमाइज किया। अब अशोक ने याद दिलाया कि कैसे उन दो जजेस का विक्टिमाइजेशन हुआ था, वो ऑर्डर क्वाश जो उन्होंने एबीएस कॉर्पस ऑर्डर क्वाश किया, लेकिन वो कहानी आज भी चल रही है। और मुझे लगता है आज के ज़माने में सबसे बड़ा जो हमें संघर्ष करना पड़ेगा वो ये है कि हम इस जुडिशरी को अपने आप से कैसे बचाएं। आज इस ये जुडिशरी अपने आप से ही एक थ्रेट फेस कर रही है। वी हैव टू सेव द जुडिशरी फ्रॉम इटसेल्फ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिटर्मिन्ड टू फिनिश द इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। एंड समबडी सेड, एंड आई टोल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइंड, नाउ द जुडिशरी इज लुकिंग लाइक अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। द रिप्लाई आई गॉट, नो, द जुडिशरी इज लुकिंग लाइक द अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द नेचर ऑफ द थ्रेट दैट द कंट्री इज फेसिंग। एंड आई कैनॉट टेल यू, आई डोंट नीड टू टेल यू दैट इफ द जुडिशरी कोलैप्सेस एंड द प्रेस, एंड वेन दे बोथ कोलैप्स टूगेदर, यू एंड आई आर इन ट्रबल। फिर हम कहाँ जाएंगे अपने हेबियस कॉपीज पिटिशंस लेके, किस कचहरी में जाएंगे? तो ये हाल है। तो जस्टिस सच्चर ने लंबे आर्टिकल में मुझे लिख के दिया, जो हमने पढ़ा था उस मीटिंग पे, कि कैसे जस्टिस पटेल, क्योंकि इन्होंने इशरत जहान के केस के बारे में एक जजमेंट दिया था कि इशरत जहान को मारा गया है, इशरत जहान की एनकाउंटर डेथ नहीं है, उसके कारण जस्टिस पटेल को कभी एक चीफ जस्टिस नहीं बनाया और कभी उनको सुप्रीम कोर्ट पे नहीं लाया गया। और शर्म की बात है कि हमारे जो अब के चीफ जस्टिस है उन्होंने अपनी आवाज़ तक नहीं उठाई। इसीलिए मुझे आज जस्टिस और जस्टिस सच्चर ने ये सब बातें स्पष्ट रूप में लिख के आर्टिकल हमें भेज दिया था, जो हमने ज़ोर ज़ोर से उस मीटिंग पे पढ़ के दुनिया को सुना दिया। लेकिन कोई सुनने वाला है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं। तो मैं इतना ही कह के अपना भाषण समाप्त करूँगी। शरद यादव भी यहाँ है, उनका भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत योगदान रहा है। मुझे आज तक याद है कि उन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट सिग्नेटरी टू एन इम्पीचमेंट मोशन ऑफ द फर्स्ट वुमन हु एवर मेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ सिटिंग जज फॉर हैविंग सेक्शुअली हरास्ड।
Sharad Yadav was the first signatory because he told me, we have to maintain the independence of the judiciary, and independence of the judiciary is also about gender justice. So I will just stop by saying that I will miss Justice Sachar very much, because he was always, always there for us. And for me, he was available to me as recently as on the 23rd of March 2018, barely a few days before he died. So I agree with most of the previous speakers that now we will have to carry the burden which he carried all his life. I won't call it a burden, it's a pleasure. It's a pleasure to fight for the right causes which he fought. He lived his life pleasurably till the last day, and we must follow that example of living our lives as pleasurably and as honorably as he lived. Thank you.